हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं स्कूल अपार्टमेंट। यहाँ एक दो स्क्वाड्स आती है गाइस। इस गेम प्ले में लास्ट जोन्स में क्या है, इंटेंस फाइट होगी, वीडियो लास्ट तक देखना। फिलहाल हम यहाँ स्कूल अपार्टमेंट लैंड करते हैं। यहाँ उतरते ही AK मिल जाती है गाइस। यहाँ हम जैसे ही आगे वाले अपार्टमेंट में आते हैं, ऊपर से फुटस्टेप आते हैं। यहाँ गाइस मैं हर रूम चेक करके जा रहा था क्योंकि बंदे बहुत काम कर रहे हैं अपार्टमेंट में। यहाँ मैं ऊपर आता हूँ, अंदर से फुटस्टेप आते हैं। Watch out! Guys, डायट फिनिश हो जाता है। शायद ये सोलो से स्क्वाड खेल रहा था। यहाँ मैं गाइस इस बंदे की पेट उटी लूटता हूँ, थोड़ा हिल करता हूँ, तब तक सामने बंदे आ जाते हैं। यहाँ हम एक दो ग्रेनेड का ट्राई करेंगे नॉक करने के लिए। यहाँ पे लेकिन ग्रेनेड से कुछ नहीं होता, लेकिन ये हमारे टीममेट से नॉक कर देता है, डायरेक्ट रश कर देते हैं इन पे। यहाँ शायद ये दो ही बंदे रहते हैं, एक तो अपने आप ब्लीड आउट हो जाता है या दूसरे को भी फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं आगे। यहाँ हम स्कूल अपार्टमेंट से निकल ही रहे होते तभी ये बंदे क्या ही बॉट फायर करते हैं भाई। एक को बग्गी से नॉक कर देते हैं गाइस। ये रियल बंदे थे, बॉट नहीं थे। इनका एक बंदा ऊपर चला गया था, या फिर इसकी पेटी डाल देते हैं, इसको लूटते, फिर देखते हैं आगे वाले बंदे को भी। गाइस यहाँ ऊपर एक और बंदा था, फुटस्टेप आ रही होगी। क्या मैं सोचता हूँ ऊपर रहता है, फिर मुझे नीचे फुटस्टेप आती है। अरे भाई साहब क्या ही एंगल लेके बैठे थे, यहाँ इनकी भी पेटी डाल देते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइस, कुछ हेल्थ इशू के चक्कर से मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं डाली है, लेकिन अब वीडियो प्रॉपर डेली आएगी। गाइस यहाँ आगे आते हैं भाई, इनको देखो भाई, यहाँ बग्गी लगा के ही लेट गए थे। नंबर 3 इसको फिनिश कर देता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट उट करेंगे, फिर स्कूल के बाद डाइट गाइस हम यहाँ कोचिंग के आ जाते हैं। तभी एक गाड़ी स्पॉट होती है, गाइस यहाँ बंदे बच जाते हैं, लेकिन वो बहुत डैमेज थे। मैं नंबर 3 को मार्क करता हूँ पीछे, गाड़ी लगा लो उन पर। तभी गाइस वो बंदे रुक भी जाते हैं, या मैं थोड़ा एंगल चेंज करके मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बंदे साफ बन गए थे भाई। सभी सामने दिखता है, डैमेज देता है ये, कैसे इसको नॉक करते हैं। या थोड़ा और आगे आते एक और साफ दिख जाता है, और भाई साहब यहाँ पे ये डायरेक्ट फिनिश हो जाता है। इसी के साथ गाइस ये ऑल डेड हो जाते हैं। यहाँ पे लूट उट करेंगे, फिर निकलते हैं आगे। जिनकी बात डायरेक्ट गाइस हम यहाँ ब्रिज पे आ जाते हैं, बहुत तगड़ी ब्रिज कैंप थी। तब तो भाई यहाँ नंबर 3 की फाइट हो जाती है, उसमें बंदे आ जाते हैं, नॉक हो गए गाइस। यहाँ पे नंबर 3 को पूरा नॉक एंड फिनिश कर देंगे बंदे। कुछ आइडिया नहीं थे गाइस वो कितने बंदे थे। यहाँ मैं ऊपर जाऊँगा, बंदे स्पॉट करने की कोशिश करूँगा। गाइस मैं यहाँ ऊपर आके आगे एक दो स्मोक कर दूंगा उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि जैसे उनको लगे कि यहाँ पे बंदे हैं। गैस कुछ आइडिया नहीं था वो कितने बंदे थे, हम पूछ रहे थे नंबर 3 से, लेकिन नंबर 3 भाई बता ही नहीं रहा था। और गैस ये ट्रिक काम भी करती है, सामने बंदे दिख जाते हैं। यहाँ मैं ग्रेनेड का ट्राई करता हूँ, तभी बंदा एक ऊपर आ जाता है। गैस ग्रेनेड तो मिस हो जाता है, बट बंदा वो नॉक हो जाता है भाई। कुछ पेट्रोल पंप पे भी बंदे आ चुके होते हैं, बंदे थोड़ा डैमेज देते हैं। कोई नहीं गाइस, हम यहाँ पे हील उल करेंगे। गाइस मैं यहाँ पे हील उल करके फिर सामने वाले बंदों पे थ्रोबल्स का इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा बहुत। तभी भाई साहब एक बंदा ऊपर भी आ जाता है, तो गाइस क्या ही नॉक करेगा आपका भाई इसको। ऊपर ऊपर छत पे बम फेंक रहा है। किल कर, किल कर गाइस। मैं यहाँ पे उसको नॉक करके यहाँ पे मॉली फेंकता हूँ गाइस। पता नहीं कौन सा ये ग्लिच हो जाता है जो बंदा भाई ऐसे मॉली कर देता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं 2 मॉली कर देता हूँ और वो बंदा फिनिश भी हो जाता है। और गाइस सामने और बंदे भी आ चुके होते हैं उन पे। यहाँ मैं नीचे आके मैं फिर से थ्रोबल्स का इस्तेमाल करता हूँ गाइस। गाइस यहाँ पे मैं ग्रेनेड डाल के भाई रशी कर रहा था भाई, पीछे से बंदे को पड़ जाती है मेरे नंबर 2 को। ब्रिज पे भी बंदे थे गाइस,
या मैं वो रिवाइव देने की कोशिश करूँगा। मैं इधर हूँ, स्मोक कर स्मोक। यहाँ मेरे पास एक ही स्मोक रहता है, मैं स्मोक कर देता हूँ गाइस, लेकिन पीछे से भी पड़ती है। यहाँ एक बॉट नॉक होता है, मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। फिर नंबर टू को कहता हूँ कि आ जाओ अंदर, इसको रिवाइव दे दूंगा मैं, क्योंकि गाइस अगल बगल बहुत से बंदे थे। तू अंदर रह गाइस, मैं अंदर आके हील करता हूँ। गाइस हमारा नंबर टू फिनिश हो जाता है, तभी गाइस ग्रेनेड की शॉट आती है। वो भाई साहब सामने से ग्रेनेड करता है बंदा, फायरिंग देता है उसको, हेडशॉट लगती है बट वो बच जाता है। गाइस वो अगेन नेट करता है, और भाई साहब यहाँ पे फ्री फायर में जाते हैं इसी awesome. के साथ भाई एक भी बंदा फिनिश हो जाता है यहाँ पे। वहाँ के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे आगे आ जाते हैं भाई, बाई बोट आते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्रिज ब्लॉक था, और सामने से फायरिंग आती है। गाइस ये बंदा स्पॉट होता है यहाँ पे, तो नॉक करके पूरा फिनिश कर देंगे। फिर हम यहाँ पे राइट साइड से रोटेट कर देंगे इन बंदों पे। गाइस वो बंदे जोन में चले जाते हैं, यहाँ पे जोन बन जाता है आगे। यहाँ पे मैं बग्गी लगाता हूँ, एक बंदा स्पॉट होता है सामने, गाइस मैं यहाँ जैसे इसको नॉक करता हूँ, भाई साहब सामने से ये डब्ल्यूएम पड़ जाते हैं। गाइस मैं पीछे आता हूँ नंबर 4 को रिवाइव करने के लिए कहता हूँ। गाइस यहाँ नंबर 4 मुझे रिवाइव देता है। गाइस वो शायद उसी का बंदा था, गाइस वो भी रिवाइव हो जाएगा। वहाँ से निकल के डायरेक्ट गाइस हम यहाँ पे जोन के कॉर्नर पे आ जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि गाइस बंदे उधर ही मुझे स्पॉट हुए थे। तो गाइस यहाँ पे एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। गाइस यहाँ पे बग्गी रोड पे सामने बंदा स्पॉट होता है, गाइस यहाँ पे इसको नॉक कर देते हैं। गाइस इसको पूरा फिनिश भी कर देंगे क्योंकि ये लास्ट जोन है गाइस, वो हमारी लोकेशन मार्क कर देगा अपने बंदों पे। यहाँ पे आगे की स्मोक कर देंगे क्योंकि जोन आगे बढ़ रहा था गाइस। यहाँ पे अपनी बग्गी लगा के हील करेंगे गाइस। गाइस यहाँ पे हील कर दो तभी राइट से फायरिंग आती है। यहाँ पे सभी बंदे गाइस सांप बने हुए थे। यहाँ मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, एक बंदा स्पॉट होता है गाइस, यहाँ पे इसको नॉक करके पूरा फिनिश कर देंगे। यहाँ आगे आगे मैं आगे स्मोक कर देता हूँ एक गाइस, क्योंकि थोड़ी बहुत एमओ भी चाहिए था 5 की और थ्रोबल्स भी नहीं थे मेरे पास। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत थ्रोबल्स उठाता हूँ फिर आगे चलते हैं। मार्क द लोकेशन गाइस, मैं यहाँ पे जोन के कॉर्नर चल रहा था बट यहाँ पे नंबर 4 भाई बीच में चला जाता है जोन के। गाइस वहाँ पे पूरे सांप बने हुए थे बंदे भाई, उसको खा जाते हैं। यहाँ एक बंदा सामने स्पॉट होता है, मैं इसको नॉक कर देता हूँ। गाइस यहाँ पे मेरे पास स्मोक भी नहीं था और जोन भी बनने वाला था। ओ भाई सब क्या ही बचता हूँ मैं गाइस, यहाँ पे बंदा भाई साहब लेट के MG3 चला रहा था। गाइस यहाँ पे मैं हील करता हूँ तभी गाइस वो बंदा सामने स्पॉट हो जाता है मुझे। गाइस डायरेक्ट फिनिश हो जाता है। यहाँ पे जोन बन रहा था गाइस आगे, मेरे पास यहाँ पे स्मोक भी नहीं था, मुझे ओपन में जाना था। गाइस यहाँ पे जैसे पहुँचता भाई साहब सामने से फायरिंग आती है भाई बंदे की। गाइस मैं यहाँ पे ड्रिंक पीते पीते भाई साहब उस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। गाइस वो बंदा दिखता नहीं है और अलग से गाइस यहाँ पे जोन आ चुका था, तभी भाई साहब वो बंदा राइट में स्पॉट होता है। गाइस मैं यहाँ पे इसको नॉक कर दूंगा और पूरा फिनिश भी डाल दूंगा। गाइस अब एक ही बंदा बचा था, 1v1 की फाइट थी यहाँ पे, मेरे पास स्मोक नहीं था, मुझे जोन में भी जाना था। यहाँ पे एक पेटी रहती है गाइस, यहाँ से अगर थ्रोबल्स मिल जाए तो भाई काम बन जाए, और गाइस यहाँ पे मिल भी जाता है स्मोक मॉली ग्रेनेड। यहाँ पर मैं अपने बैकपैक खाली करता हूँ, थोड़ा बहुत एमोज भी गिरा दूंगा। गाइस आप लास्ट जोन में एमोज अपने कम कर सकते हो, उसकी जगह का इस थ्रबल्स इस्तेमाल कर लो। मैं आगे स्मोक कर दूंगा, का इस जोन आगे बना हुआ था। यहाँ मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ बंदा सामने से फायरिंग देता है, मेरे पे जोन नहीं था, उस बंदे पे जोन था। मैं यहाँ पे हाई रिच पे आ जाता हूँ, गाइस मेरे पास जितनी मॉली ग्रेनेड था मैं सब फेंक दूंगा उस पर।
गाइस यहां पे चिकन डिनर हो जाता है। गाइस नेट मॉली से तो कुछ नहीं होता गाइस, मुझे फाइनली उसको ग्रोजर से मारना पड़ता है। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।